एक और बहुत बड़ी न्यूज आ गई गाइस, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला तीसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया गाइस, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडियन महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले न्यूज नाम के एक शख्स। के पहले कभी हम सुनते थे कि इंडिया आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ जैसा कि गूगल या फिर ट्विटर के सीईओ या तो इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है, लेकिन अब सुनने में कभी ये आता है कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन है, कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक इंडियन ओरिजिन है, और अब आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर लियो वरदकर जो कि इंडियन ओरिजिन है। गाइस कितनी बड़ी प्राउड की बात है इंडिया के लिए, और पाकिस्तानी को इंडियंस कहते हैं कि भाई तुम जाते हो बाहर मजदूरी करने के लिए और हम जाते हैं बाहर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अदर कंट्रीज के पास। खुदा का वास्ता असल में को आकर रियासत बचाओ, ये अब जो अचर हो गया, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हमारे मुल्क की मईशत के साथ क्या हो रहा है। जो है वो दीपिका पादुकोण जो है वो भी वहाँ पे आई और उन्होंने जो फुटबॉल फैंस हैं उसके सामने जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी उसको दिखाया। ये एक मामूली वाकया नहीं है, मैं इसको किस तरह देखता हूँ, मैं इसको बेसिकली देखता हूँ ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी, पाकिस्तानी ओरिजिन की बात करें, बहुत बड़ी तादाद यूरोप में रहते हैं या दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, क्यों नहीं आज तक पाकिस्तानी ओरिजिन हेड ऑफ स्टेट बन सके, और ऐसी क्या वजह है इंडियन की या इंडियन ओरिजिन की क्या ऐसी खासियत है जो पाकिस्तानियों में नहीं है? और ये जानबूझ के किया, मैं कह रहा हूँ जानबूझ के किया जा रहा है, जो लाए हैं उनका एजेंडा है कि पाकिस्तान को इतने घोटने टेको के फिर पाकिस्तान से कुछ अपनी शरायत बनवाओ, अब इस मुल्क को बचाने के लिए हमारे अदारे रह गए हैं। क्या वजह है कि अगर इंडियन ओरिजिन की बात करें, कभी वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यूके के, आपने शायद आपको पता होगा ऋषि सनक, देखिए वो यूके का इंडिया का बंदा नहीं है। अच्छा वो किधर का? वो केनिया में उसने अपना काम स्टार्ट किया था आज से 40-50-60 साल पहले। अच्छा अब वो वहाँ से शिफ्ट हो गया लंदन में, और लंदन की वहाँ उन्हें शहरियत ली, वहाँ उसने इन्वेस्टमेंट की, जो भी किया तो वो उनका प्राइम मिनिस्टर हो गया। और अगर आप उसको इंडिया के साथ जोड़ेंगे तो ये आपकी मैं समझाता हूँ कि कम इल्मी है या जो भी है। देखें पूरी दुनिया वो कह रही है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कह रहे सारी दुनिया, उसका पूरे देखें यूएस की, अब मेरी बात सुनिए, यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस उनका नाम है, वो कहाँ से बिलोंग करती है, इंडियन ओरिजिन है या वो भी इंडियन ओरिजिन नहीं? देखें इंडिया, देखें जो लोग वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं ठीक है, वो बाकायदा शहरियत है उनके पास वहाँ की, तो अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ की पार्लियामेंट में हैं, वहाँ लंदन की पार्लियामेंट में, जर्मन की पार्लियामेंट में हैं, तो क्या आप उनको कहेंगे कि जी वो पाकिस्तानी तो है, शरीयत छोड़ गए वो चले गए वहाँ पे? हमारी बात नसीबी ये है कि हम पाकिस्तानी सिर्फ पैसा लूट खसूट करके वहाँ जमा करवाते हैं, ऐश करते हैं, मैं भी तो यही पब्लिक को, यहाँ की पब्लिक को हमने जिस खाते में रखा हुआ है वो आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, सारे जानते हैं कि क्या वजह है। टेक्नोलॉजी को देख लें, आईटी को देख लें, या फिर अब तो दुनिया के बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनके जो लीडरशिप है वो इंडियन ओरिजिन या इंडियन के हाथ में है, वजह क्या है, क्यों वो ग्रो कर रहे हैं? उन्होंने तो बोला कि लैंग्वेज बैरियर है, मतलब अपनी लैंग्वेज में जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं लाएंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। पूरे चाइना से, यूरोप से, रीजन से लोग आके पहले फारसी सीखा करते थे, तमाम टेक्नोलॉजी पर्शियन में थी, ठीक है? अब आप मुझे बताएं आपने क्या चीज़ ईजाद की, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने स्पेस प्रोग्राम बनाया, मेडिकल में क्या तरक्की की आपने? आपकी उर्दू में यही होगा जी इस सब गोल का छिलका दे दें, उन्होंने तो मेरा ख्याल 10,000 बीमारियों पर रिसर्च की कि पानी सही होगा, आप तो कहेंगे जी एनो अदरक दी चाह पे आ दो, इसकी क्या इंग्लिश आप बना? आप मुझे बताएं आपके पास क्या है, आप टेक्नोलॉजी को के उर्दू में कन्वर्ट करें। अब आप चाइना देखें, आप थोड़ी सी आपकी मैं बात को रोकूंगा, मुझे इनके सवाल का जवाब दें। आपने बोला ठीक है मैं आपकी जो राय है उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इनकी राय भी मुझे अच्छी लगी है कि हमारे पास इस टाइम मौजूद क्या है, हम इन्वेंट क्या कर रहे हैं, ईजाद क्या कर रहे हैं जो हम कहें कि उर्दू में लाना चाहिए? हमारे पास उर्दू में तमाम टेक्नोलॉजी की एबीसी मौजूद है, ठीक है? कोई एग्जांपल एक दे दें कि ये हमने जो सा ये फार्मूला दुनिया का ये फार्मूला हमने उर्दू में ईजाद किया। कौमी जबान जो है उसमें तमाम जितने भी अब टेक्नोलॉजी की नेट सर्विस है या कोई भी आप समझ लें वो सारी उनकी किताबें आ चुकी है, उर्दू में तर्जमा हो चुका है, तर्जमा हो चुका है उर्दू वालों ने, क्या नहीं हो रहा उर्दू? इनके चीफ है एक सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है नहीं, उन्होंने फैसला दिया था कि जवाद अल हसन साहब, उन्होंने कहा जी कायद आजम ने
आप कायदे आजम की नफी कर दें। हम तो नहीं करेंगे। कर दें, आप कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना। कायदे आजम ने फरमाया था कि आपकी कौमी जबान उर्दू है, अब ये साफ फरमा रहे हैं कि आपके पास है ही क्या। जब आप यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपके जो 99% 0.50% जो आपके एक्सपर्ट हैं सारे यूरोप अमेरिका से पढ़कर आते हैं। अगर आपकी टेक्नोलॉजी उर्दू में होगी, आपका सब कुछ उर्दू में होगा, तो उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए 10 साल कम से कम चाहिए होंगे। वो ये इंग्लिश में सीखेंगे, मैं सोता था, मैं खाता था, मैं रोता था, मैं पीता था। और ख़ास तौर पर इंडिया को, चूँकि इंडिया का सबसे बड़ा मसला यह है कि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है यूरोप के लिए और दूसरे मगरबी कंट्रीज के लिए, तो इस्लामिक कंट्रीज के लिए, इवन देखे सऊदीया बहुत ज्यादा, अरब, कतर, दुबई वगैरह जो है जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं हमें पाकिस्तान में नहीं देते। नहीं करते, और हाँ जी, सिर्फ ये वजह है कि मंडी बहुत बड़ी है, तादाद उनकी ज्यादा है, मफादात है। मुझे नहीं लगता इंडिया वालों की पॉलिसीज भी ऐसी हैं, वो अपना देखें, पॉलिसीज भी ठीक है उनका, चूंकि डेमोक्रेटिक एक सिस्टम चल रहा है, आज तक फौज ने टेक ओवर नहीं किया, लेकिन बहरहाल हर बंदा जो दुनिया में जो भी बंदा है, मैं हूँ या आप हूँ या कोई कंट्री का हो, वो अपना मफाद पहले देखते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील करना, अच्छा मज़े की बात यह है कि इंडिया के अंदर तो फुटबॉल की टीम इंडिया की नहीं है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन वाई कतर थॉट दैट दे शुड ब्रिंग दीपिका पादुकोण इन कतर एंड आस्क हर टू रिवील द फुटबॉल ट्रॉफी, और क्यों कोई जो है वो इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहीं और से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, इतने जो लोग थे वहाँ से क्यों नहीं किया, ये एक दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये एक सवाल है जिसको मेरा ख्याल है समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ट्रैवल करें कभी किसी में कतर एयरलाइंस पे या अमराती पे या जिस पे बाकी जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस उन पर ट्रैवल करें ख़ासतौर पर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो जो वहाँ पे एंटरटेनमेंट का जो स्टफ़ होता है उसमें ज़्यादातर इंडियन चीज़ें होती हैं, इंडियन फिल्में, ड्रामे, कपिल शर्मा शो एंड ऑल दैट। रिसेंटली मैं अभी यूएस ट्रैवल कर रहा था तो मुझे भी, मैं भी कपिल शर्मा शो सारा टाइम देखता आया, मतलब इट वाज ऑल फन बिकॉज हमारा कल्चर, हिस्ट्री, चीज़ें बहुत सारी सेम है, सारी बात है इंडिया के साथ, और मुझे वो देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा था एज़ कम्पेयर टू कोई मैं इंग्लिश मूवी हॉलीवुड की देखूँ, मुझे नहीं वो मज़ा आ रहा था। दीपिका पादुकोण को कतर की अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे बुलाया, फीफा ने बेसिकली बुलाया, ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कतर, ये नहीं है कि वो नहीं, तो उसको बुला के क्या पैगाम दिया गया? पहली बात है कतर ने अपने जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ ठीक किए, एक बात। दूसरा, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर, फॉर इट्स कल्चर, दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना है और दुनिया ने पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड सिक्योरिटी वाइज पहचाना है। डे बाय डे हर रोज कोई नई खबर आ जाती है इंडिया से, और इंडिया अचीवमेंट पर अचीवमेंट की जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इकोनॉमी की बात करूं तो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, तो पहले एक जोन सा उनका, उनके लिए प्राउड की बात थी कि उनका एक जोन से, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला ऋषि सुनक यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यूके वो जिसने तकरीबन हम पर 150 साल हुकूमत की थी बरसगीर के ऊपर। अभी एक खबर आई है कि इंडिया का ही महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो कि आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया, कितनी बड़ी बात है इंडिया के लिए, कितनी प्राइड की बात है। अच्छा देखिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर हम इसी, जैसे हमने इसमें मेंशन किया, रेफरेंस दिया, इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लंदन के जो मेयर हैं इस वक्त वो पाकिस्तानी निजात हैं, और इसी तरह आमिर खान है, बॉक्सर हैं, तो पाकिस्तान के भी बहुत नाम होंगे। हमारा एक इशू है कि लेकिन वो हैं, लेकिन बॉक्सिंग के वो दूसरे शोबे के अंदर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को पूरे को लीड करने वाला बंदा तो इतना भी हमारे हिस्ट्री में कोई भी नहीं है। चले, अच्छी बात है ये कि अगर कोई उनकी तरफ से भी हो रहा है, वो इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, हमारे पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से हमने देखा है कि हमेशा पॉजिटिव बात होती है और होती रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से क्या अप्रोच है वो